ये सब कुछ इसके लिए कर रहे हो ना जिसने तुम्हारी तो क्या माँ बाप की इज्जत को दांव पे लगा दिया। वैसे तुम लोग ये ठीक नहीं कर रहे। तुम नहीं समझोगे। अच्छा खैर छोड़ो, ये लो कपड़े और ये लो। ये क्या है? इसमें पैसे हैं और टिकट है और ये राशिद का एड्रेस और फ़ोन नंबर। वैसे मैं अभी राशिद को फ़ोन कर लूँगा, लेकिन तुम स्टेशन पे जाके राशिद को फ़ोन कर लेना, वो तुम्हें लेने आ जाएगा। थैंक्स। चल दोस्त, ख्याल रखना अपना, अल्लाह आपकी ज़रूर मदद करेगा। ज़रूर। मेरा ख्याल है हमें अब चलना चाहिए। हाँ। आलम खान मिल गए। मैंने तो सारा जंगल छान मारा, लेकिन उनका कोई नामो निशान तक नहीं आया। बाबा जान, अब एक ही जगह बचती है और वो है रेलवे स्टेशन। बस आप जल्द से जल्द अपने आदमियों को वहां भेज दें। मुझे पूरा यकीन है कि वो लोग वही होंगे। ठीक है, मैं जाता हूँ स्टेशन, खुद जाता हूँ। जी बाबा जान। देखो तुम वहीं पे ढूंढो उन्हें। हाँ मैं जा रहा हूँ स्टेशन। जी बाबा जान।
जाके पता करो इस गाड़ी को हम किस स्टेशन पे पकड़ सकते हैं। हाँ साहब, हम इस गाड़ी को नहीं पकड़ सकते। तुम लोग तो किसी काम के ही नहीं हो। हेलो, उठा भी लो। जी आंटी, आपने मुझे बुलाया? मुझे देखो बेटा, तुम्हें देखकर ऐसा लगता तो नहीं, और ना ही मेरा दिल मानता है, लेकिन क्या करूं, मां हूं ना। मैं तुमसे एक बार फिर पूछती हूँ बेटा, तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ बेटा, खुदा के लिए अगर तुम्हें थोड़ा सा भी कुछ पता है ना बेटा, तो प्लीज बता दो बेटा। मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, तुम पर कोई आंच नहीं आने दूंगी बेटा। आंटी, आप कैसी बातें कर रही हैं? आप यहाँ बैठिए। आंटी, शायजा मेरी दोस्त ही नहीं बल्कि मेरी बहन भी थी, मैं उसका या इस घर का बुरा कैसे जा सकती हूँ? दुख तो मुझे इस बात का है कि उसने मुझे भी बताना गवारा नहीं समझा। खुदा करे वो जहां भी हो खैरियत से हो। और आंटी, आप उसकी माँ है, आप उसके लिए दुआ कीजिए कि वो जहां भी हो सलामत हो और खैर से हो। बस आप फिक्र ना करें। जी मोहतरमा, पहुंच गए हम लाहौर। आप बोलिए, जाना कहाँ है? मुझे नहीं पता। What? क्या कहा तुमने? मुझे एड्रेस नहीं मालूम। ओह गॉड, किस किस्म की लड़की हो तुम? देखो शायद, सोचो क्या क्या वाकई तुम्हें नहीं मालूम कहाँ रहता है? नहीं। अच्छा, प्लीज रो मत, मैं कुछ करता हूँ, प्लीज। हेलो राशिद, हाँ कैसे? इस SMS में जो एड्रेस है उसे नोट कर दो और SMS को डिलीट कर देना। लेकिन लिखूँ कहाँ? ये जो तुम्हारी घटिया शायरी वाली डायरी है ना, ये किस दिन काम आएगी? इसमें लिख लो। अच्छा बिल्कुल, कैसे? खैर छोड़ो, ये SMS था किसका? अबे ये जो नौरीन थी ना, उसका SMS था। वो अपने ननियाल गई हुई है, उसने 2 महीने तक वहीं रहना है, उसी ने अपने नोट सेंड करने के लिए कहा है। ओह अच्छा। हसन, मुझे याद आया, उसने मुझे एक बार SMS किया था मेरी स्नैप्स भेजने के लिए। गुड, कहाँ है वो? वो तो फौजिया के पास है। मैं तुमसे फोन लेकर उसे कॉल कर लूँ। Rihanna, look who I'm back.
हेलो हेलो फौजिया, शाइजा, शाइजा तुम किधर गायब हो? ये सब क्या है? आखिर तुम कहाँ चली गई हो बताए बगैर? सबर से काम लो, सब बताती हूँ। अच्छा पहले मुझे वो एड्रेस एसएमएस करो, मुझे लिखवा दो जो मैंने तुम्हें कुछ हफ्ते पहले लिखवाया था। कौन सा एड्रेस? अरे भाई वही वाला एड्रेस जिस पर नौरीन को हमने नोट्स भेजे थे, वो जो तुमने अपनी डायरी में लिखे थे। ओ एक सेकेंड, होल्ड रखना, बंद मत करना, होल्ड रखना। हाँ लिखो। अच्छा एक सेकेंड, हसन जरा एड्रेस लिखो। फौजिया, हाँ तुमने मेरी बहुत मदद की, थैंक यू। अच्छा खैर वो छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुम हो किधर। अच्छा बाकी सारी बातें बाद में, ओके बाय। हेलो हेलो, हमारा छोटा सा गरीब खाना। अब बैग मुझे दे दे प्लीज, सामने वॉशरूम है, आप फ्रेश हो जाए, मैं नाश्ता लगवा देता हूँ। थैंक्स राशिद। अहसन भाई मैं आपको छोटा भाई हूँ, ऐसी कोई बात नहीं, प्लीज आप फ्रेश हो जाए। दादी, हसन बेटा कहाँ तुम? ये सब कुछ क्या है? दादी जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, प्रॉब्लम इतना अचानक सामने आया कि मैं आपको भी बता ना सका। ओ, ऐसा कौन सा प्रॉब्लम था जो तुम मुझे नहीं बता सके भाई? दादी जरा सोचिए, जो लड़की मुझसे प्यार ही नहीं करती, मैं सारी जिंदगी उसके साथ कैसे गुजार सकता हूँ? ये तो ठीक है, लेकिन उसे ये नहीं करना चाहिए था। क्यों दादी? सिर्फ इसलिए हम लोग अपनी ख्वाहिशात का तो एहतराम करते हैं लेकिन दूसरों की ख्वाहिशात का एहतराम नहीं करते। हम ये भूल जाते हैं कि उन्हें भी जिंदा रहने का उतना ही हक है जितना हमें। मैं समझता हूँ बेटा, सब कुछ समझता हूँ, लेकिन दाजी मैंने कुछ गलत नहीं किया, आप तो उनको यकीन कर सकते हैं। ओहो मैं तुम्हें कैसे समझूं, मुझे अपने से ज्यादा तुझ पर यकीन है बेटा। थैंक दाजी, मुझे आपसे इसी यकीन की तवक्को थी। दाजी वहाँ के हालात कैसे हैं? सब ठीक हो जाएगा बच्चे, तेरे दाजी है ना? दाजी मैं शायजा को उसकी मंजिल तक पहुंचा कर जल्द वापिस आ जाऊंगा। मेरे बच्चे अगर कोई मसला हो तो मुझे जरूर बताना बेटा। हसन बेटा अपना ख्याल रखना। थैंक दाजी, थैंक्स।
लीजिए सर भाई, आपकी मंजिल आ गई। उस बंदे के मुताबिक सलीम का घर यहाँ से तीसरी गली में है। राशिद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना हमारा साथ दिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मैं आपका छोटा भाई हूँ, बार बार थैंक यू कह के क्यों शर्मिंदा करता। आप जाइए, मेरी जरूरत पड़ी तो मुझे ज़रूर कॉल कीजिएगा, आपके पास मेरा नंबर है। इंशाल्लाह मैं आपको कॉल करूँगा। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। जाने क्या ये सलीम का घर कौन सा? जी सलीम का घर उधर है, लेकिन सलीम चाचा की दुकान पे अपने दोस्तों के साथ उधर खड़ा है। आप मुझसे कुछ कहना चाहती हैं? जी वो जी कहिए। हसन आप प्लीज वापस चले जाएं।